हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आसमाज़ ऑल इन वन चैनल। तो फ्रेंड्स, मेरी तरफ से आप सबको ईद बकरा ईद मुबारक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी नमाज़ वगैरह हो चुकी है, हम लोग नमाज से आ गए फिर है। यहाँ पे हम लोग अभी बकरा ज़ुबा करने की यहाँ पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो यह हमारे घर का बकरा है, हम लोग ने बाहर से नहीं लिया है। और यहाँ पे हमारी पूरी फैमिली यहाँ पे खड़ी है और फिर यहाँ पे अभी ज़ुबा करने के लिए तैयार करें। और हम लोग बकरा ज़ुबा घर पे ही करते हैं, मतलब हमारे घर के मेरे चाचा या मेरे पापा करते हैं। तो मैं चाचा को बाबा बोलती हूँ, तो बाबा हमारे बकरा ज़ुबा करते हैं। तो यहाँ पे मैं बकरे को ऐसे सर पे हाथ घुमा रही, क्योंकि उसके गले से हमको यहाँ पे रस्सी छोड़ना थी और उसको जो घुंघरू वाला गले में बेल्ट पहनाए थे ना, वो भी उसको छोड़ना था और उसके हार वगैरह निकालना था। इसलिए उसको सर मैं इसको पकड़ रही थी, यहाँ पे हम निकाल रहे थे। यहाँ पे भाई, मेरी माँ, बाबा, पापा और मैं थी यहाँ पे, और बाकी सब एक साइड पीछे खड़े थे। फिर यहाँ पे उसको भी यहाँ पे खड्डा निकाले हैं यहाँ पे ज़ुबा करने के लिए एक साइड में। और माशाल्लाह हमारा इस बकरे का कलर भी देखो कितना माशाल्लाह लग रहा है वो। फिर यहाँ पे भी बकरा ज़ुबा होगा, यहाँ पे सब तैयारी हो गई है और यहाँ पे हमारा भी तैयारी चालू है। तो बाहर के लोग भी कोई कोई आए थे हमारे वहाँ पे, तो नमाज पढ़ने के साथ वैसे ही यहाँ पे आ जाते हैं। और फिर यहाँ पे हम लोग सब एक साथ बाहर खड़े रहते हैं, फिर उसको शक्कर खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं। और फिर हमारा यहाँ पे उसको देखो भी शक्कर खिला रहे, फिर और उसको पानी भी पिलाते हैं। लेकिन बकरा हमारा बहुत शांत था, जर्रा भी मारता नहीं था, कुछ नहीं था। और यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे दुआ पढ़ाती हूँ सबके सबको, हर साल मैं ही दुआ पढ़ाती हूँ बकरा ईद के लिए। फिर यहाँ से मेरी मम्मा पानी लेके आई उसको पिलाने के लिए। और आप किस तरीके से ईद करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट करके बताएं। यहाँ पे हमारी बिल्ली भी आ गई देखने के लिए क्या कर रहे हैं वो। तो अब यहाँ पे तैयारी चालू हुई और उसने ज़र्रा भी परेशान नहीं किया, चुपचाप सब देख रहा था, कर रहा था। कोई कोई बकरे इसे परेशान करते हैं ना ज़ुबा करते वक्त, इसने ज़र्रा भी नहीं किया था। और घर का बकरा था इसलिए हमारे कमू को, दादी को, हमारे चाचा को वगैरह ना उन्होंने संभाले थे ना, तो उनको बहुत बुरा लग रहा था, तो लोग रो रहे थे सब लोग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी बकरा ज़ुबा वगैरह देखो उसको पानी वगैरह पिला रहे हैं। तो यहाँ पे अभी दुआ वगैरह पढ़कर हो गई, ज़ुबा हो गया, फिर हम लोग अंदर चले आए गए। जिस लोगों का वहाँ पे काम चालू हो गए, फिर हम लोग ने यहाँ पे किसी ने प्याज कट कर लिया, किसी ने मसाला वगैरह पिसाया। चाचा की लड़की मेरी आई, उसने हाय आपको सबको ईद मुबारक बोला। फिर यहाँ पे मैंने बनाया था कांदा पोहा सबको नाश्ते के लिए, क्योंकि सुबह से किसी ने खाया नहीं ना, क्योंकि बकरा जब तक ज़ुबा नहीं करती ना तो घर का कोई इंसान खाता नहीं ना, इसलिए फिर मैंने फटाफट से कांदा पोहा बनाया, सबको नाश्ते में कांदा पोहा दिया। बाहर के मेहमान कोई आए थे उनको भी दे दिया और हमारे घर के लोगों को भी सबको कांदा पोहा दिया। यहाँ पे हमारे घर के लोग बोकड़ के जो गोश आ रहा था उसको कट कर रहे थे, पीस छोटे छोटे पीस बना रहे थे। फिर वो लोगों ने हिस्सा डाल दे दिया, एक हिस्सा घर का
और एक हिस्सा मेहमानों का और एक हिस्सा पूरे हमारे गांव के लोगों का। तो सब कुछ दे देते, जो मांगने आते हैं उनको भी दे देते हैं, मांगने आने वाले भी इधर एक साइड में बैठते हैं और यहाँ पे हमारे सब इससे डालकर फिर सबको दे देते हैं। और फिर हमारे घर पे रात में पूरे मेहमान खाना खाने के लिए रहते रिश्तेदार। और यहाँ पे अभी मैं आई खाना बनाने के लिए, सब तैयारी हो गई, बकड़ वगैरह कट कर होकर होने के बाद फिर कोई कोई गोश्त बांटने के लिए चला गया। और फिर मैं यहाँ पे आई खाना बनाने के लिए, तो हम लोग यहाँ पे अभी बना रहे सबसे पहले पुलाव। तो यहाँ पे फटाफट मसाला भून रही हूँ, तो अभी यहाँ पे बारिश नहीं थी इसलिए फटाफट हम लोग खाना बनाने चालू कर लिए। तो यहाँ पे मेरा मसाला होने के बाद यहाँ पे चावल डाले मेरे माँ ने, फिर हम लोग यहाँ पे बना रहे पुलाव। और हमारे मेहमान रात में खाना खाने के लिए आ गए थे और बहुत टेस्टी बना था पुलाव और मटन का सालन और सूखा मटन, ऐसा हम लोग बनाते ईद के लिए, क्योंकि मेहमान भी बहुत आते हैं ना, इसलिए हम लोग वही बना देते तो अच्छा पड़ता है। फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा पुलाव बनकर रेडी है, मैंने यहाँ पे पुलाव को दे दी दम पे। तो दूसरे साइड चूल्हे पे अभी मैं बनाऊंगी सालन, इसको एक साइड में ढककर रख दे दिया। और यहाँ पे भी देखो सालन भी मेरा बनकर ऐसा मतलब तैयार है। तो इसमें भी सिर्फ बॉईल किया हुआ पानी डालना है और मटन डालना है, जो बॉईल किया हुआ सूप रहता है ना वो डालना है सालन के लिए। यहाँ पे पुलाव दम पे से भी नीचे उतार दिया मैंने। और फिर उसके बाद यहाँ पे मटन बॉईल हो रहा है सूखे गोश्त के लिए, सालन का तो बनकर रेडी है। और उसके बाद बारिश आ गई, मैंने आगे का शूट नहीं कर पाया, मेहमान को भी वीडियो में नहीं लिया। आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़